फ्रेंड्स, आईसीसी विश्व कप 2019 का आगाज 2 हफ्ते से भी कम समय में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 30 मई को खेला जाएगा। 46 दिन लगातार चलने वाले इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 9 और 11 जुलाई को खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में को खेला जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इस वर्ल्ड कप में जो इनामी राशि दी जाने वाली है विजेता उपविजेता आदि टीमों को वह कितनी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। तो इस वीडियो को मैं फटाफट से शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आईसीसी विश्व कप 2019 के कुल इनामी राशि के बारे में अगर हम बात करें तो वह है $1 करोड़, जो कि इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और हम बात करें विजेता टीम को दी जाने वाली इनामी राशि के बारे में तो वह है $40 लाख, जो कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने पर 28 करोड़ रुपए हो जाते हैं। दोस्तों, इस विश्व कप में जो इनामी राशि दी जा रही है विजेता टीम को वो अब तक के आईसीसी विश्व कप में दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। और दोस्तों, उपविजेता टीम की इनामी राशि के बारे में अगर हम बात करें तो वह है $20 लाख, जो कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने पर 14 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और दोस्तों, सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को भी $8 लाख के रूप में दिए जाएंगे। इंडियन रुपी में वह लगभग 5.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, अगर कोई भी टीम लीग मैच में भी एक भी मैच विन करती है तो उसको भी इनाम के रूप में $40,000 मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपी में 28 लाख के करीब हो जाते हैं। दोस्तों, लीग में से आगे जो बढ़ने वाली टीमें हैं उनको भी $1 लाख मिलेंगे, जो कि 70 लाख के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अनिल कुमार आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।